तो इस लैब में आपने इमेज सेगमेंटेशन की ही टेक्निक्स अप्लाई करनी, और थ्रेश होल्डिंग जिसका कॉन्सेप्ट आपने अभी लेक्चर में पढ़ा, तो उसी की थ्रेश होल्डिंग की जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं वो आपने जो है वो अपनी लैब में अप्लाई करने, और उसका इफेक्ट चेक करना है कि डिफरेंट इमेज के अंदर उसका इफेक्ट क्या आता है। यहाँ पे ये एल्गोरिदम हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। थ्रेश होल्डिंग के अंदर अडॉप्टिव थ्रेश होल्डिंग के एल्गोरिदम्स हैं, और ये नी ब्लैक थ्रेश होल्डिंग का एल्गोरिदम है। दोनों एल्गोरिदम्स आपने अप्लाई करने हैं अपनी लैब के अंदर, उसका इफेक्ट देखना है। इमेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, टेक्स्ट वाला इमेज है जिसके ऊपर आपने ये एल्गोरिदम्स अप्लाई करने हैं और उसका इफेक्ट चेक करना है। यहाँ पे आपको उसके जो कॉन्स्टेंट हैं उनकी वैल्यूज गिवन है, और उसकी बेस पे आपने जो है वो अप्लाई करना है। फॉर्मूलाज आपको गिवन है, फर्स्ट वन में आपने नी ब्लैक एल्गोरिदम अप्लाई करना है, सेकेंड वन में आपने सोएला एल्गोरिदम्स अप्लाई करना है। इनका फॉर्मूला गिवन है और इसके कॉन्स्टेंट भी गिवन है। सिंपली आपकी ट्रिकी पार्ट इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कि आपने इमेज में विंडो कैसे डिसाइड करनी, ठीक है। तो नी ब्लैक एल्गोरिदम है उसका ये कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी, ठीक है। उसमें नॉइज भी आएगी लेकिन राइटिंग कुछ इस तरह की डिटेक्ट होगी। लेकिन जो सेकेंड एल्गोरिदम है उसमें आपकी क्लियर आउटपुट आएगी, उसमें कोई नॉइज नहीं आएगी, ठीक है। ट्रिकी पार्ट ये है कि आपने विंडो इसमें से कैसे डिफाइन करनी है। आप विंडो का साइज डिफाइन करते हैं, मे बी आप इसको वैसे डिफाइन नहीं कर सकते जैसे आप फिल्टर डिफाइन करते हैं 3x3 या 7x7। आपको विंडो क्रिएट करनी है इमेज के अंदर। आप फॉर एग्जाम्पल आपने विंडो का साइज दिया है 10, तो 10 से आप अपनी विंडो निकालेंगे तो विंडो का साइज 10 में से बनता है 5x5, ठीक है। इस तरह से आपने विंडो का साइज निकालना है। तो विंडो का साइज के लिए कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम कैसे लगा हुआ है, आपने यहाँ पे देखिए विंडो का साइज क्या रखा हुआ है, 15, अगर ये आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। आपने विंडो का साइज रखा है 15, तो आप उससे आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने विंडो का साइज ओवरऑल क्या डिफाइन किया हुआ है, 7x7, क्योंकि आपने क्या किया इसको 2 पे डिवाइड किया, देन आपके पास आ जाता है 7। तो आपने 7x7 की विंडो बनानी है। तो आपको पता है कि आपने अगर 7x7 की विंडो बनानी है, इसका मतलब ये है कि आपके इमेज की फर्स्ट 6 रोज एंड कॉलम्स जो हैं उनके ऊपर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप इमेज के कॉर्नर पे ये वही प्रॉब्लम आएगी जो फिल्टरिंग में अप्लाई हुई थी। मैंने आपको बताया था कि आप कॉर्नर पे इमेज की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते फिल्टर की, क्योंकि आधा फिल्टर जो है वो इमेज से बाहर चला जाता है, तो आपको पैडिंग या वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप जब विंडो साइज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रोज एंड कॉलम्स जो है वो छोड़ने पड़ेंगे इमेज के अंदर, ताकि आप उस पे आपका जो है एम्प्टी कोई वैल्यू ना आए। उसके लिए आप ये देखें आपके जो इमेज रेंज है वो उसी एन के हिसाब से कैलकुलेट हुई हुई है, कि जितना आपका एन है उतने इमेज लाइन्स रो एंड कॉलम्स को उन्होंने छोड़ा हुआ है, और उसकी रेंज के हिसाब से आप इमेज पे अप्लाई कर रहे हो दोनों साइड से, रोज एंड कॉलम्स की साइड से। एंड देन आप एक स्मॉल इमेज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्मॉल इमेज कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि आप रोज बताते हो कि कहाँ से कहाँ तक उठानी है, एंड कॉलम्स बताते हो कहाँ से कहाँ तक उठाने। तो आपका आई जो भी करंट आई इमेज है उसके अंदर आप उसके से आगे और पीछे के जो है वो 7x7 रोज उठा रहे हैं। वो उस करंट इमेज पिक्सल के अंदर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी वो 7x7 की इमेज की विंडो उठा लेनी है। वो वैल्यू सारी आपकी आ जाएंगी इसमें, एंड देन आप उसके ऊपर पूरा ओवरऑल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने दोनों एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं। लैब बहुत ईजी है, इसको आपने ट्राई करना है। अगर कोई मसला आए तो आप पूछ सकते हैं।